इंदा गांव वन परिक्षेत्र में छैला में अतिक्रमण को लेकर वन समिति भंग कर दिया गया था। अमली पदल सर्कल अंतर्गत ग्राम छैला में वन परिक्षेत्र अधिकारी नागराज मांडावी के सफल प्रयासों के चलते कल संयुक्त वन प्रबंधन समिति का पुनः गठन कर दिया गया। पिछले एक वर्ष से प्रतिरोध के चलते यहां गठन नहीं हो सका था, जिसके फलस्वरूप यहां वन की अवैध कटाई का प्रतिबंध नहीं लग पा रहा था। कल इस गतिरोध को खत्म करने ग्रामीणों के बीच वन अमले की एक टीम बैठक लेने पहुंची थी और वहां ग्रामीणों के साथ संयुक्त बैठक कर समिति का गठन कर दिया। ग्रामीणों की उपस्थिति में आवश्यक विचार विमर्श कर सर्वसहमति से साल भर बाद अध्यक्ष केवल मांझी और गायत्री मांझी को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा कार्यकारिणी का गठन कर वन सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी। दो घंटे तक चली ग्रामीणों के इस बैठक में जंगल कटाई एवं अतिक्रमण रोकने पर विस्तृत चर्चा के बाद अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार की गई है। दशक से हुए अतिक्रमण को वन प्रशासन ने विरोध के चलते बेदखल नहीं करवा सकी थी। ग्रामीणों के साथ हुए इस संयुक्त बैठक में परिक्षेत्र अधिकारी नागराज मांडावी के अलावा सहायक परिक्षेत्र अधिकारी गोहरा पदर तहसील राम नेताम, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अमली पदर बिम्बाधर यदु, परिसर रक्षी छैला सोहन लाल ठाकुर, परिसर रक्षी कोतरा डोंगरी खिलेश नागरची, परिसर रक्षी खरी पथरा खेत्र मोहन साहू, परदेशी प्रधान सहित पूर्व सरपंच पवन पुजारी, पूर्व समिति अध्यक्ष जनसिंह ओटी, पंचगण उपस्थित थे। कल छैला में किस संबंध में बैठक की गई और क्या वहां पर क्या कार्रवाई हुआ और क्या निर्णय कुछ हुए? कल हम लोग छैला गए अमली पदर सर्किल के छैला ग्राम में, वहाँ वन सुरक्षा जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो गठित हुआ था पहले साल भर पहले भंग हो गया था। अब वहाँ पर थोड़ा सा गांव में आपसी मनमुटाव कर दो थे, तो परसों जा कर के बैठक लेके पूरा समझाई दिए और बता दिए थे, वो यूनियन लोगों के कहने पर कल के डेट में जाकर हमने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गांव वालों का बैठक लिया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया, यहाँ समिति गठन किया है और उसमें वनों के महत्व के बारे में, जंगल के बारे में पूरे महत्व पर मैंने प्रकाश डाला, सबको समझाया गया। उसमें ऐसे दो तीन बुजुर्ग हैं जो वाकई में अच्छा समझदार हैं और उनको सारी चीज़ बताया। फिर समिति का गठन होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी का, हमने फिर उनके द्वारा बताया गया कल रविवार को फिर बैठक करके जाएंगे उसके एरिया जो उनको हमने दिया हुआ उस क्षेत्र का भ्रमण करके उनको बताएंगे कि कहाँ अतिक्रमण हुआ और कहाँ पर अभी कटाई वगैरह हो रहा है या हो चुका है पहले अतिक्रमण, उसमें बेदखली कार्रवाई के लिए उनके सहयोग की अपेक्षा करते हुए, ताकि वो उड़ीसा वाले बता रहे हैं कि उड़ीसा वाले भी आते अतिक्रमण कर रहे हैं। एक सुपलाल का मार करके 1288 में कोई बेदखली कार्रवाई के लिए प्रोसीजर अपनाना है, बस उसके बाद फिर अभी आगे चिखली वाले भी बोल रहे थे, उसका देखा देखी तो चिखली ग्राम में भी वहाँ भी समिति गठित कर रहे हैं, करना है करके उनको भी जो जंगल दिया जाएगा उसको देख रेख के लिए। धन्यवाद। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।